देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में मिल करके गंगा बनाती हैं। ये काफी अच्छा सेल्फी पॉइंट है, काफी लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे होंगे। आप थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों आप मलबा देख रहे हैं, अचानक से पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये मलबे बार बार सरकाए जाते हैं। कई बार यहाँ पर दुर्घटना होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड लिमिट्स भी लिखी गई है। फाइनली दोस्तों ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आज की रात हम इस डॉर्मेट्री में स्टे करेंगे, जिसका प्राइस 300 रुपये पर पर्सन था। दोस्तों हमारे केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, मैं और मेरे प्रिय मित्र बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे गौरीकुंड से, फिर उसके बाद हम चलेंगे केदारनाथ टेम्पल की ओर, जो कि 16 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बारिश बहुत ज़्यादा है केदारनाथ में इस टाइम पर, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त जो कि आज है 30 जून है आज, तो लगभग 2-3 दिन के अंदर अभी आप लोग यहाँ पर ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पर। अच्छी बारिश हो रही है भाई, मज़ा आ रहा है खूब, लेकिन मज़ा भी होता है, एडवेंचर भी बहुत ज़्यादा है। रेनकोट पहन करके हम लोग यात्रा को प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों फाइनली यहां से हमारा केदारनाथ का ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं टेंपल की तरफ। मेरे कुछ दोस्त अभी पीछे रह गए हैं, हम लोग उनको साथ में लेंगे। और बारिश का मौसम है, देख सकते हैं अभी बादल ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये हमारे बिट्टू भाई और ये हमारे प्रिय मित्र, जो कि हमें यहीं पर मिले हैं, हरियाणा से आए हुए हैं। यहाँ से आप लोग चाहें तो घोड़ा कर सकते हैं, घोड़े का जो प्राइस है लगभग 3,000 के करीब होगा। रजिस्ट्रेशन जो भी आ रहा है केदारनाथ, रजिस्ट्रेशन करा के आए, देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश है, लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है यहाँ पर, क्योंकि बारिश के मौसम में पत्थर वगैरह भी गिरते हैं, लैंड स्लाइड होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा जोखिम ना लें, अपनी फैमिली को ना लेकर आएँ। लेकिन जितने भी लोग आ चुके हैं लगभग, वो लोग यात्रा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है अभी तक। कभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि अभी यात्रा बंद है। देख सकते हैं कितनी गंदगी फैला रखी है। देखो अगर आप बारिश के मौसम में केदारनाथ आते हो तो रास्ते में बहुत ज़्यादा गंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश कंटिन्यू आती रहती है। अच्छा ये सिकंजी तैयार है? तैयार है भाई, बन रहा है। अच्छा अच्छा दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां से केदारनाथ की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, भीमबली 2 किलोमीटर। तो ये जो लोकेशन है काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है, केदारनाथ के रास्ते में जब आप जाते हैं तो ये आपको दिखाई देती है लोकेशन। ये नदी आगे चल करके भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से आपस में मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पर आपको जगह जगह पर झरने दिखाई देंगे, बादल जो है वो पहाड़ों को टच करते हुए दिखाई देंगे। इस ट्रैक पर बारिश के मौसम में अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी ये रहती है कि रास्तों में जो घोड़े खच्चर इन सबसे जो यात्रा करते हैं थोड़ी गंदगी हो जाती है, थोड़ा गीलापन रहता है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। तो दोस्तों केदारनाथ के ट्रैक पर काफ़ी मज़ा आ रहा है, बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमने रेनकोट उतार दिया है और काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन हमारे सामने आ रही है। अब चूंकि बारिश का मौसम है तो इस समय आप कह सकते हैं कि केदारनाथ का ये ऑफ सीज़न है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ें बाय करते हैं, अगर आप परौठा लेते हैं 50 रुपये में एक परौठा आपको मिलेगा, या इसके अलावा अगर आप लेते हैं तो बहुत महंगे तो वहीं पे डबल सीधा डबल, अगर 5 रुपये का बिस्कुट है तो वो 10 रुपये में आपको मिलेगा। लेकिन वास्तव में देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी लोकेशन आ चुकी है हमारे सामने, और हम जल्द ही जुनून के साथ आगे एक जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। देखिए बारिश के जाने के बाद मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, और देखिए यहाँ पर लगभग पहाड़ों के बीच में एक से एक झरने आपको दिखाई देंगे। देखिए कुछ मसूरी जैसा मामला दिख रहा है यहाँ।
ये देखो दोस्तों, घोड़े पर बैठकर की भी यात्रा हो रही है। 3000 रुपये में घोड़े अपना पैसा लेते हैं। घोड़े का जो चार्ज है वो 3000 रुपया है और आपको डायरेक्ट मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। मस्त, एक नंबर। तो यहाँ से केदारनाथ 10.5 किलोमीटर है। अभी तो बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है, इस घोड़े को भी कंधे बिठा के ले चलूँ ऊपर में। ये देखो, भाई ये नदी कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही मुझे, जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से। देखिए यार क्या स्पीड है यार पानी का। ये चट्टानें बह करके ऊपर से गिरते हुए आई और इससे जाके टकरा गई, तो कुछ बैरियर्स टूट करके नीचे गिर गए। मैं जितना ऊंचे चढ़ता जा रहा हूँ, ये पर्वत श्रृंखलाएं उतनी ही ज़्यादा ऊंची होती जा रही हैं। तो पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने के बाद हमने एक मिल्क लिया है। मिल्क का प्राइस है 50 रुपया। मेरे प्यारे दोस्तों, केदारनाथ में हम काफी ऊंची चढ़ाई करने के बाद यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और बचता है मंदिर का जो सफ़र है। अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बाकी है। हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार वीआईपी दर्शन करा रहे हैं वीआईपी लोगों को, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि आप भी इस प्रकार से हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा लेना होगा। बाकी आप देख सकते हैं 2013 में जो केदारनाथ में ट्रेजेडी हुई थी, कितने सारे लैंडस्लाइड हुए थे। और अब यहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है जो कि हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। बस दोस्तों, यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी नज़दीक आ गए हम मंदिर के। बहुत तगड़ी बर्फ़ है। तो हम पीछे जाओ। वाह भाई वाह, देखिए कहां से बर्फ आया हुआ। जॉब ये जो तुमने शब्द सुना होगा ना, बर्फ की चादर, वो इसी नजारे को देख करके लिया होगा। पहाड़ों पर ऊपर आने के बाद 80 रुपए की ये मैगी मिली है। ये नीचे से बादल अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लीजिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं जय श्री केदार मंदिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला है और बर्फ से ये पूरी तरह से ढके हुए हैं। और जैसे ही सूरज की रोशनी इन बर्फ़ से टकराती है, काफ़ी अच्छे चमकते हैं
और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू हमें दिखने को मिलता है। गंगाधराय श्री गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों, और केदारनाथ मंदिर के पीछे हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, और काफी अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भक्तों की श्रद्धा, काफी लंबी लंबी लाइन लगी है दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर है ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। 2013 में जो ट्रेजिडी हुई थी, इसीलिए यही कारण था कि उसमें काफी लोग मारे गए थे, क्योंकि बचने की कोई जगह नहीं थी। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको नज़ारा बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे। तेज धूप निकल चुकी है। चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ भीमशिला, जिसकी वजह से ये मंदिर सेफ रहा, जिसकी वजह से 2013 में जो ट्रेजेडी आई थी, पानी दो भागों में डिवाइड हो गया था। उस भीमशिला को मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ ही आकर के रुक गया था ताकि ये मंदिर बच जाए। ये है दोस्तों वो भीमशिला, पीछे से बहुत तेजी से पानी आया और इस भीमशिला की वजह से पानी दो भागों में डिवाइड हुआ, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और मंदिर हमारा सेफ रहा। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे। अब वहाँ से पानी बहुत तेजी से आया, जैसे ग्लेशियर टूटा। अब सोचो इतनी तेजी से पानी अगर यहाँ पर आएगा तो आसपास, मतलब जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, वहाँ से लैंडस्लाइडिंग आपको दिखाई दे रही है, वहाँ से यहाँ से, मतलब अभी भी आज भी बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, एविडेंसेस हैं, जिसके बेस पर ये पता लगाया जा सकता है कि कितनी खतरनाक ट्रेजेडी आई थी 2013 में। कहा जाता है कि दोस्तों केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी था वो एक ही था, और वो जो रास्ता था बद्रीनाथ जाने का वो इसके जस्ट पीछे की तरफ था। तो केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए हम सभी ने लाइन लगाया है। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, महादेव। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। केदारनाथ में यदि आप यहां से घोड़े पे बैठते हैं, जिसका चार्ज है 2500 रुपया पर पर्सन, आपको गौरीकुंड तक ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहां पर लगभग बहुत सारे पर्सन आपसे पूछेंगे घोड़ा चाहिए क्या भाई, जस्ट लाइक गोवा में पूछा जा रहा था टैटू होना क्या भाई, जस्ट इसी तरह से यहां पर भी आपसे बोलेंगे लोग घोड़ा चाहिए क्या भाई। भाई आदमियों से ज़्यादा यहाँ पे घोड़े हो गए, ये देखो कुछ बेचारे घोड़े थक करके सोए हुए हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीपैड भी बंद हो जाता है, हेलीकॉप्टर का आना जाना भी बंद हो जाता है, तो लोग घोड़े में ही बैठ के आ जाते हैं मजबूरी में।
आराम से जाइया। अभी इनको 3 घंटा लगेगा। वो 3 घंटा वीडियो के अंत में मैं आशा करता हूं दोस्तों आप भी अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में केदारनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करेंगे। और मोदी जी द्वारा जो उड़न खटोले का 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से सुविधापूर्वक केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे।